हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मूंग दाल का हलवा बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मूंग दाल लेंगे, जिसे हमने पहले ही 4 घंटे भिगो के रख दिया था। अब इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। मूंग दाल पिस चुकी है। सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें घी डालेंगे। घी गरम हो चुका है, अब इसमें 1 चम्मच सूजी डालेंगे और थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें पिसी हुई मूंग दाल डालेंगे। और मिला लेंगे। हमें इसे हल्की गैस पर तब तक चलाना है जब तक मूंग दाल हल्की सुनहरी ना हो जाए। मूंग दाल का हलवा हमेशा धीमी आंच में ही बनाया जाता है, इसलिए इसे बनाने में जल्दबाजी ना करें और धीमी आंच में पकने दें। अगर आपको मूंग दाल का हलवा पसंद हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, मूंग दाल दानेदार हो चुकी है और इसमें सुनहरा कलर भी आने लगा है। अब इसमें 1 गिलास दूध, 15 से 20 केसर के रेसे, 1 इलायची पाउडर डालकर मिला लेंगे। जब दूध की मात्रा आधी हो जाए तो इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। जब हलवा इतना गाढ़ा हो जाए तब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर मिला लेंगे। हलवा बन चुका है, अब गैस बंद कर देंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अक्सर आप शादियों में मूंग दाल का हलवा तो खाते ही होंगे, लेकिन आप घर पर भी आसानी से बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।